व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज है 19th of November, इट मींस टुडे इज माय बर्थडे। एंड द गुड न्यूज इज गाइस, आई एम व्लॉगिंग टुडे, सो आपको पता चलेगा कि आज के दिन मैं क्या क्या कर रही हूँ। सो अभी तो मैं फ्रेश हो गई हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग मंदिर, सो लेट्स कम विथ मी। तो गाइज, मैं मंदिर से घर आ चुकी हूँ एंड लुक एट हिम, आप पहचान सकते हो ये कौन है? देखो इधर जल्दी गाइज, इसका हुलिया आप देखो और मुझे बताओ ये कौन है। रुको, मुके दिखा। ये है द ग्रेट मुकेश द स्टार। बंद कर रहे बैठा। सो गाइज, मैं अभी ब्रेकफास्ट करूंगी, फिर आपको मिलती हूँ, तब तक आप इसे पहचानिए ये कौन है। आज क्या स्पेशल है? तेरा स्पेशल भाजी। कौन सी? जो तेरे को पसंद है। कौन सी? बटाटे का सांबर। हाँ। और मसूर का दाल। ओह माय गॉड। और फ्राइड राइस। ओह माय गॉड। और मेरे को विश कर। हैप्पी बर्थडे। ओ, इतने प्यार से तो आज तक नहीं किए थे। सनी की बुबू, बुबू ताई का बर्थडे है। जगुरी ताई आदि मुकी वो दिखाई है। लाला बुआ को बोलो हैप्पी बर्थडे। तो मेरा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, आई एम डन। मैं मंदिर भी जाके आ चुकी हूँ, सब कुछ हो चुका है। सो अभी तो बहुत टाइम बचा है, लाइक सेलिब्रेशन तो हम ज़्यादा कुछ करने नहीं वाले हैं, तो अभी जो दिन का जो भी टाइम है, तो मैंने सोचा वेस्ट करने से अच्छा है कि थोड़े बहुत रील्स बना ले। तो हमारा पूरा ग्रुप मिलने वाला है, हम रील्स बनाने वाले हैं। एंड मेकअप मैंने कर लिया है, हेयर अभी मैं कर रही हूँ। एंड मुकेश गया है जिम, वो जस्ट मतलब वो थोड़ी देर में आ जाएगा, फिर आने के बाद मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। अब मैं बाल बना लेती हूँ पूरे। You were the shadow to my... क्या लाया हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ। ला केक लाया मेरे लिए, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आओ। Happy birthday, dear Bua. Happy
तो अभी हम सब बैठ के खाना खा रहे हैं। फिर जान जी यार खाओ ना तुम नाटक करते यार। मैंने बड़ा एक्टिंग करना जो खा रहा मैं बोलूंगी व्लॉग पीछे जाएगा तो खा बोला था कैसे बनाए तो गाइस खाना कैसे बनाए मैंने बनाया है खाना ऐसे ऐसे बनाए कैसे बनाए खाना विशाल जी फूटने दो तो बोल रहा हूँ खाना कैसे बना आपने बनाया नहीं दादी ने बनाया पानी चाहिए प्लीज बोलो एक बार सूरज भाई भूमि पानी देना प्लीज बोलो अरे यार ये तो कैसे ही करते हैं यार गाइस अभी मैं टेरेस पे जाऊंगी रील्स बनाने तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में और ये देखो ये बारबेक्यू इसमें ना पानी पी रहे हैं बॉटल में तो जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि मैं टेरेस पे जाके आपको मिलूंगी सो हियर आई एम टेरेस पे एंड मेरे साथ बने हैं सूरज और विशाल यार कितना पागल है यार मुझसे बस झगड़े करने के लिए ना रीजन ढूंढते रहता दिमाग दिमाग खराब कर देता है मेरा सच्ची में बकवास ऐसे तो 10 टेक लेता है और मेरे एक बार गई तो मुझे चिल्लाने लग गया नॉनसेंस तो अभी हम बना रहे हैं रील्स और मुकेश और भूमि थोड़ी देर में आएंगे ऊपर सो रील्स बना के हम बाहर के लिए जाएंगे लाइक बाहर डिनर के लिए जाने वाले और हमने आज का पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट किया है मेरा बर्थडे वेस्ट कर दिया है मज़ा आया हमें ये सब चीज़ें करते हुए सो बाहर जाएंगे तो मैं आपको मिलती हूँ यहाँ पर आ गए हैं हमारे द स्टार मुकेश जिसकी शक्ल आप सुबह पहचान नहीं पा रहे थे और यहाँ पर है जल्दी मेरे को लगा होट में डाल रहे यार कितना गंदा क्यों डालूंगा छी हाँ और यहाँ पर है आयरमा फीलिंग जेलस ठीक है एक्सक्यूज मी थोड़ा सा इधर मुंह दिखाना ये है भूमि ओके निकलो अभी बस हाँ तो अभी तुम्हारा मेरे वीडियो में नाक वाक पोंछ के हो गया है तो थोड़ा हट जाइए आप थोड़ा सा कैमरा बंद करना पड़ेगा यार तो गाइस अभी क्या हुआ है मुकेश ने फाट किया और सबकी हालत देखो ये देखो भूमि को तो अच्छा लग रहा है मैंने कुछ भी नहीं सूरज ये बाहर है मैंने कुछ भी नहीं किया कुछ नहीं किया खाली फाट मारा कुछ नहीं किया ये बंद करो चुना भी बोल रहे हैं उत्तम में ढुमक पादम सभा में फुसम पादम भूकंप की घड़ी पादम गुदगुदी पादम मेरा ब्लॉग बीच में बंद करना पड़ा इसके बाद की वजह से तो गाइस अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए और बीच में से मुझे मेरी एक फ्रेंड को पिक भी करना है मेरी एक फ्रेंड नहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड को मुझे पिक करना है सो मिलती हूँ उसको मिलने के बाद ओके उसको पिक करने के बाद आप ठीक हो विशाल जी मुकेश की पाद का असर बहुत ही पादम गुदगुदी पादम उस फ्रेगनेंस में कैसे जी रही है ये ओह माय गॉड गाइस बिकॉज आई एम यूज्ड टू इट मुझे सोते उठते बैठते मुझे वही सब सुनना होता है इसीलिए चले गाइस जैसे तबेले में वो दूध निकालने वाले को आदत होती है गोबर की वैसे ताई को आदत हो गई मुकेश के पाद की तुम क्या मुंह बना रहे हो यार ओके सो अभी हम ऑन द वे है ढाबा जाने के लिए सो वहां पर जाके मैं आपको मिलती हूँ सो अभी हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं लोकेशन भूल गई यार मैं ढाबे पे पहुंच चुके हैं एंड हियर दे आर
वो फावड़ी दिख रही है भूमि तू वो पीनट आया की तरफ फ्लैश मार मसाला पीनट ये वही इंसान है जिसको सुबह आप पहचान नहीं पा रहे थे मेरी तरफ फ्लैश होगा बेबी हाँ ये वही इंसान है जिससे सुबह आप पहचान नहीं पा रहे थे एंड यहाँ पर है और यहाँ पर है दिख रहा है सूरज भाई तू नहीं अभी तो यहाँ पर का क्या प्लान है हमारा ध्यान नहीं है यार जिसने दिया है ना उसका खाने में ध्यान है पागल हो गई है खाना देख के पागल हो जाती है ये सो अभी हम यहाँ पर डिनर करेंगे डिनर करके ऑनर शहीद कैसे हुआ कारीगर ने बम छोड़ दिया वो नंदलाल चाचा ये पादी दाद में बाहर जाए पादने का हुआ क्या तुम्हारा मैं निकालू हाँ शॉप करके खोल रहा था भाई अभी याद आई ये खाना खाने के बाद की हालत इनकी हम कितने एक्टिव है और इनको देखो आलसी लोग हाँ ना यार गर्ल्स ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग होती है ये बॉयज है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप इसने फ्लैग पकड़ा है सो गाइस अभी हमारा हमारा खाना खा के हो गया अब मैं केक करने वाली हूँ मेरा केक था ठीक और ये दोनों मुझे लुक दे रहे हैं इन्हें कुछ समझ नहीं रहा है अभी मेरा बर्थडे खत्म होने के लिए बचे हैं 20 मिनट्स सो एक लास्ट चीज मैं करना चाहती हूँ सब लोगों को है ना मेरे लिए दो दो अच्छी अच्छी लाइनें बोलनी है ठीक है सो फर्स्ट काजल रेशमी इज वेरी काइंड हार्टेड एंड वेरी केयरिंग पर्सन बहुत ही अच्छी है और बहुत ही हार्ड वर्किंग है ऐसे ही आगे बढ़ती रहे मेरा दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं ठीक है विशाल जी आप दो लाइन क्या झूठ बोलूं अरे यार जल्दी बोलिए दो लाइन है यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड वन मोर जल्दी और एक यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी काइंड भाई तू बता दो चीजें मेरे लिए द बेस्ट वुमन आफ्टर माय मॉम And she is very hard working and very kind person and she can't say anything she can't say no no she can't see anything wrong going around her so wo very loyal hai apne aap se respect you and very honest too honest person and I love her so much ek second wapas last wala line and I don't love her bola and I love her so much भूमि ये याद कर दी कब से ये सबसे बिग स्टूडेंट है ना मुझे पूछ रहा है भाई दो लाइन याद हुआ क्या भाई दो लाइन याद भूमि को तो हमें मिले एक हाँ तो भूमि को हमें मिले थोड़ा ही टाइम है सो लेट्स सी वो क्या बोलती शी इज वेरी काइंड एंड वेरी सपोर्टिव बस इतना ही लिखा है वेरी गुड लुकिंग आल्सो ओह माय गॉड शी इज वेरी काइंड बस तो गाइस इन्होंने सबने मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल दी है झूठ बोला सबने बुरी बातें मैं पूछूंगी नहीं इन लोगों से सो हाँ सुनना सबसे बुरी बुरी बातें भी पूछना एक एक तो गाइस अभी ये मेरे बारे में एक एक बुरी बात बताएंगे ओके चलो काजल शी इज वेरी एग्रेसिव ओके बुरी बात ये है कि ताई अपने काम को लेकर हमें बहुत डांटती है ये अच्छी बात है चलो ठीक है विशाल जी आप बताइए She is very emotional and very selfish girl. एक ही बोला था यार. But अभी excuse me, she is not at all selfish. Okay, no. यहाँ पर debate हो रहा है. But the thing is, ये मुझे 15 साल से जानती है और ये मुझे 1 साल से जानते हैं तो right तो यही होगी. मेरे बारे में एक बुरी चीज. I would like to correct one thing कि हर इंसान के पास एक कमियाँ होती है so obviously she is a woman तो वो है कि मेरे नज़र में बहुत ही careless बनती बहुत ज़्यादा हाँ वो तो मैं वो accept ये बहुत ज़्यादा careless और aggressive तो बाप है पचर 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 एक fight मारूंगा ना किसी ने
देर हो जाएगी, देर। रियल एंगर। देर। भूमि आप बताओ, अब तक तो मुझे कोई अग्रेसिव या कुछ ऐसा लगा नहीं है, काम के लिए होते हो तो वो तो अभी उनका काम है, अगर कोई ग्रुप में कोई अग्रेसिव नहीं हुआ तो ग्रुप एकदम नल्ला हो जाएगा। ये तो दैट शी मींस कि शी इज अग्रेसिव। हां नहीं, पर काम को लेके अग्रेसिव। वैसे यू गाइस, मैं अग्रेसिव हूँ बट मैं अपने ग्रुप के लिए अग्रेसिव हूँ। अगर कुछ काम टाइम से नहीं हुआ तो गुस्सा आना इज अ कॉमन थिंग, मुझे आता है, दैट्स इट। एंड आल्सो द फनी पार्ट ऑफ यू पूछ सकता हूँ, फनी पार्ट ऑफ यू? ओके, मेरा फनी पार्ट फर्स्ट। चलो ठीक है, मेरे से तो गाइस अब ये लोग मेरे बारे में फनी चीजें बताएंगे एक एक। ओके, तो पहले मुकेश। सो गाइस, व्हेन शी स्लीप ना, उसके मुंह से ना लार निकलती है, लार यहाँ तक आती है, ऐसा लपेटती उसे, फिर अंदर लेती है। ये डाला लार। चलो भूमि, ए काजल फ्लैश मारना। हां भूमि बोलो फनी चीज मेरे बारे में। फनी चीज ये है कि वो ना टेक के बीच बीच में नाचने लगते हैं। काजल तू बता फनी चीज। फनी चीज लाफ्स एट एनी पीजे जो, एंड शी लाफ्स एवरी टाइम, एनी सड़ियल से सड़ियल ऊपर से हंसता है। हाँ तो सूरज भैया तू बता। चल फनी चीज ये है कि हमें काफी बार कहीं मैकडी से कहीं लात मार के भगा दिया गया इनकी हंसी की वजह से। हाँ ये चीज तो है। विशाल जी आप बताइए। यही हंसी बहुत ज्यादा है, इसके आउट ऑफ कंट्रोल है, हमें चार पांच जगह से भगा दिया गया है, मैकडॉनल्ड से भगा दिया है, हॉस्पिटल से भगा दिया है, हाफ एन आवर बोल के 5 मिनट्स में लात मार के। चीज ये है कि ताई का ये लेफ्ट होता है, बिल्डिंग देख के भाई कोई पकड़ो यार प्ले। ए सूरज भाई तू पकड़ ले। ओके सो अभी अरे ज्यादा आ गई है, अभी गुस्सा आ जाएगा। हाँ सो अभी मैं सबके बारे में एक एक अच्छी चीज बताती हूँ। ओके पूरी चीज भी एक है, साथ में साथ में एक अच्छी साथ में बुरी। हाँ ओके, साथ में एक अच्छी और एक बुरी। सूरज भाई तू क्या? तो काजल के बारे में एक अच्छी चीज ये है कि वो मुझे हमेशा कुछ भी, मतलब अगर मैं कुछ भी गलत काम करने जा रही हूँ तो शी इज़ द वन जो हमेशा मुझे गाइड करती है, हमेशा मुझे रोक देती है, तो उसकी ये बात बहुत अच्छी है। एंड बुरी चीज़, मैं बुरी चीज़ इज़ लाइक वो 24/7 बहुत कंफ्यूज रहती है अपने आप में ही, उसको कुछ पता ही नहीं होता यार, मतलब वो कोई डिसीजन ले ही नहीं पाती है। तुझे गाइड करे तो अपने आप के लिए बहुत कंफ्यूज रहती है, समझी? नहीं नहीं अच्छा हो गया। भूमि की अच्छी बात ये है कि वो सबकी बहुत केयर करती है। एंड बुरी बात ये है कि बहुत चुचु करती रहती है। अच्छी चीज मुकेश के बारे में ये है कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज्यादा है ना, वो दिखाता बहुत स्ट्रांग है बट अंदर से ही इज वेरी इमोशनल, और वो बहुत अच्छी भी बात है क्योंकि वो हर एक की फीलिंग समझता है, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन हो, किसी की भी फीलिंग हो वो बहुत अच्छे से समझ लेता है। एंड बुरी चीज़ मुकेश की बोलूँ तो बहुत एग्रेसिव है, बहुत 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 ज़्यादा एग्रेसिव है, मन करता है कि तुम की तू बहेंगे। अब विशाल जी, विशाल जी की अच्छी बात ये है कि ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उन्हें हर एक चीज़ों का, तो वो जो भी डिसीजन लेते हैं बहुत सोच समझ के लेते हैं, ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी है। एंड बुरी चीज़ मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। तो सूरज भाई के बारे में अच्छी बात ये है कि वो किसी को ना नहीं बोल पाते, वो हर एक इंसान का बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोचता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोचता है, और ये उनकी बहुत अच्छी बात है। एंड बुरी बात उसकी ये है कि बहुत चक 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 करता है, बहुत बोलता है, बहुत बंदा ही नहीं आता, नेगेटिव बन गया, 2 महीने हो गया बंद किया, उसका बंद मतलब बहुत ज्यादा है, चालू मतलब नहीं, मेरी जगह श्रेया ने लिया है, मैं नहीं हूँ, श्रेया ने लिया मेरी जगह। तो यही हमारे ग्रुप में 3 ही जन है, फर्स्ट प्राइज श्रेया को जाता है, सेकंड भूमि और थर्ड इनका आता है, जो कि मेरा भी नहीं के बराबर है। तो एंड
ऑल्सो मुझे बोलना है कि आप सभी लोगों को कि थैंक यू सो मच मेरा बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए. और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब ऐसा भी मैं सेलिब्रेट करूँगी, बट फिर भी अच्छा सेलिब्रेट किया हम लोगों ने. सो दिस वॉज आवर ब्लॉग गाइज. आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर कॉमेंट. एंड ऑल्सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. टिल देन लव यू ऑल. बाय बाय करो सब लोग. बाय. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे डियर एसवी. हैप्पी बर्थडे टू नॉट यू.